नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज इंडिया में। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आईपीएल सीजन 12 का 20वां मुकाबला रविवार शाम 4 बजे से बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। आईपीएल का मौजूदा सीजन रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का हर दांव उल्टा पड़ रहा है। टीम को लगातार 5 हार का सामना करना पड़ा है, वो भी ऐसी जहां प्रतिस्पर्धा की कमी साफ देखी जा सकती है। इसी बीच बेंगलुरु अपनी किस्मत से भी मात खाए बैठी है। अपने पिछले मैच में शुक्रवार को उसने पहली बार इस सीजन में 200 का आंकड़ा पार किया और पहली जीत की राह पर बढ़ती दिख रही थी, लेकिन आंद्रे असेल नाम के तूफान ने उसका ये अरमान भी पूरा नहीं होने दिया। किस्मत और नाकामी से लड़ रही दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज माने जाने वाले विराट कोहली की ये टीम आज शाम दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ उतरेगी। बेंगलुरु और दिल्ली लगभग एक जैसी ही स्थिति में है। अंतर ये है कि दिल्ली के हिस्से किसी तरह 2 जीत आ चुकी हैं, तो ये शायद बेंगलुरु के लिए इस संस्करण में जीत का खाता खोलने का सबसे सही मौका है। वहीं दिल्ली के लिए भी ये जीत की राह पर लौटने का सुनहरा अवसर। कोहली की चिंता अपने गेंदबाजों को लय में लाने की होगी, क्योंकि दिल्ली के पास ऋषभ पंत, शिखर धवन, पृथ्वी शाह जैसे बल्लेबाज हैं जो तूफान खड़ा कर सकते हैं। कोलकाता के मैच में कोहली की कप्तानी पर सवाल भी उठे थे, क्योंकि उनके पास मोइन अली के रूप में एक और विश्व स्तरीय स्पिनर था। ऐसे में जब चहल और नेगी ने रनों पर अंकुश लगाया था तो मोइन भी बेंगलुरु के लिए किफायती साबित हो सकते थे। दिल्ली भी इस मैच में अपने घर में सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ शिकस्त खाकर आ रही है। हैदराबाद के खिलाफ उसके बल्लेबाजों ने निराश किया था। गलत शॉट सिलेक्शन के कारण दिल्ली ने अहम समय पर अहम विकेट गंवाए थे। मैच के बाद टीम के मुख्य कोच रिकी पॉन्टिंग ने ये बात मानी थी। इस मैच में पॉन्टिंग ने जरूर अपने बल्लेबाजों को इस संबंध में हिदायत दी होगी। गेंदबाजी में दिल्ली मजबूत है, उसके पास कैगिसो रबाडा, क्रिस मॉरिस, संदीप लामिछानी जैसे गेंदबाज हैं। बात करें दोनों टीमों के खिलाड़ियों की तो दिल्ली की तरफ से श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, पृथ्वी शाह, अमित मिश्रा, आवेश खान, हर्षल पटेल, राहुल तेवटिया, जयंत यादव, मंजोत कालरा, कैगिसो रबाडा, क्रिश मॉरिस, कॉलिन मुंडो, ट्रेंट बोल और शिखर धवन जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। वहीं बैंगलोर की तरफ से विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, पार्थिव पटेल, मार्कस स्टॉइनिस, शिमरॉन हेटमेयर, शिवम दुबे, नाथन कुल्टर नायल, वाशिंगटन सुंदर, उमेश यादव, युजविंदर चहल, मोहम्मद सिराज, हेनरिक क्लासन और मोइन अली भी शामिल हैं। आज का मैच दोनों में से कौन सी टीम जीतेगी कमेंट करके साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।